हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य चूर जी एंड यू आर वाचिंग एपीसी मोटोलॉग। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने कल बोला था कि मैं जो ये एक्सेसरीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे लिए, बट ऑब्वियस मेरा जो गोप्रो था हीरो 7 ब्लैक वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बट कैसा है कि 15-20 मिनट्स के लिए चलता है एंड इट गेट्स इट इज शोइंग एस ऑटो रिपेयर करके हो रहा है। तो आई थॉट कि अगर मतलब हम लोग IBW जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सो इसलिए मैंने गोप्रो 9 है, सो दिस आई टूक इट ऑन रेंट। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, मैंने रेंट पे लिया है वो। सो ब्रैक पैकर्स करके है, सो उनसे मैंने रेंट पे लिया है। उनके साइट पे इट इज शोइंग एस 800 रुपीज। आप अगर ये ले रहे हो मतलब ऑलमोस्ट 5 डेज है प्लस, सो ये सॉली आपको कम करते हैं 450-500 तक हो जाता है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि उन 450 करेंगे, बट मुझे तो एक दिन का 500 पड़ा है कॉस्टिंग। आपका शिपिंग के लिए एंड ऑल डिलीवर वो खुद करते हैं, सो वो 236 रुपीज मुझे चार्ज लगा है। मैंने सिर्फ एक ही चीज रेंट पे ली है, मतलब बाकी कुछ रेंट पे नहीं लिया है, बट ऑब्वियस आई गॉट दिस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने अभी जस्ट रिसेंटली लिया है, एंड मुझे भी शॉर्टली लेना है। जो नॉकटेक्स करके है राइनॉक्स का, वो मुझे लेना है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम एंड आई विल ऑल्सो गेट माई जैकेट एज वेल एंड फुल राइडिंग गियर्स। सो ये 7 ब्लैक तो ऑलरेडी मेरे पास है, उसके बाद ये बलक लावा लिया है राइनॉक्स का, राइनॉक्स के ये बंजी कॉर्ड भी लिए है, एंड ये जो है फ्रंट माउंट है, तो ये जो 7 ब्लैक है ये मैं ऐसे आगे माउंट करूंगा हैंडल बार पे, एंड दिस वुड बी ऑन माय हेलमेट। दिस आर माय शूज, फिला के शूज है, थोड़े बहुत खराब है बट ओके चल जाएंगे। ये हैंडल बार माउंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ रबर, मैंने अलीबाग के टाइम पे ये यूज किया था। ये एक चीज ली है मैंने, हेलमेट लॉक। सो आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम IBW जा रहा हूँ, सो हेलमेट लॉक मुझे लगेगा। ये गोप्रो के साथ इसका केस है, एंड ये जो है 7 ब्लैक की बैटरी है, बैटरी चार्जर है। अलॉन्ग विद दैट ये राइनॉक्स का स्टेल्थ इवो करके है, सो ये एक मेरे फ्रेंड का यूज कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो द नी गार्ड राइनॉक्स का, ये यूज कर रहा हूँ। दिस वुड बी माई काइंड ऑफ अ टेल बैग यू कैन से, एंड ये अपना SMK का हेलमेट है जो कि मैंने आप देख सकते हो, ये माइक एडाप्टर जो है ये मैंने प्रॉपरली सेटअप कर दिया है, क्योंकि जो उलानजी का केस था दैट वॉज ओनली फॉर हीरो गोप्रो 7 ब्लैक, जो भी हीरो गोप्रो 9, उसके लिए मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, एंड एट द एंड टाइम ये मुझे मतलब डिलीवरी बट ऑब्वियस नहीं मिलती, बहुत जगह पे पूछताछ की बट नहीं मिला मुझे। सो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया है, मैंने सुतल यहाँ पे ऐसे बांध के रखी है, एंड दिस वुड गो इन द गोप्रो 9 ब्लैक। सो ये ब्लैक वाइजर है, बट ऑब्वियस नाइट टाइम पे हम लोग राइड नहीं करने वाले हैं, सो ये ऐसा वाइजर मैंने ब्लैक ही रखा हुआ है। आई वुड ऑल्सो कैरी दिस थिंग एंड दैट्स इट। सो इतने चीजें ली है हमने, एंड बहुत सारे एक्सेसरीज है गोप्रो रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड, जो कि मैंने बैग में ऑलरेडी पैक करके रखा है। बाइक पे अभी ये जो चीजें है ये मैंने ली है मोटो वुल्फ का, जो हैंडल बार माउंट है, सो इसे लगाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग बाइक पे पूरा बैग सेटअप करेंगे। सो वी आर लीविंग बाय 4 AM इन द मॉर्निंग, उसके बाद वी आर एक हॉल्ट पॉइंट है, सो वी आर 35 मेंबर्स इन आर ग्रुप, सो मतलब आई एम ज्वाइनिंग वन ऑफ द ग्रुप। सो देखते हैं अभी कैसी अपनी राइड होती है, एंड ये प्रॉपरली सेटअप करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो अभी ये देख रहा हूँ कहाँ पे लगा सकता हूँ, एक तो राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाऊंगा, एंड मुझे वो हैंडल बार माउंट भी लगाना है।
सो ये देखो कितना अभी टाइट बैठ गया है, हो गया प्रॉपर अभी सेटअप ये। तो ये कुछ ऐसा सेटअप है, तो यहाँ पे हम लोग GoPro लगाएंगे। सो ये 360 डिग्री मूव भी होता है। सो यहाँ पे लगा के वी वुड बेंड इट ओवर। सो ऐसा कुछ है ये सेटअप, यहाँ पे GoPro एंड यहाँ पे अभी हम लोग वो जो रबर का मोबाइल होल्डर है यहाँ पे हम लोग डालेंगे। सो गाइज दिस इज़ इट। तो आपको मैं मिलता हूँ राइड पे अभी। सो आप ये वीडियो जब भी मैं अभी ये राइड स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप ये वीडियो भी देखते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ। बाय।